ये 3 साल के थे, इन्होंने पूरी किताब लिख दी थी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में। नोएडा स्टेडियम ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे का ये पंडाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए नहीं, उनके गुरु स्वामी पद्म विभूषित स्वामी श्री रामभद्राचार्य के लिए है। आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज इनका कथा है और ये लगभग 4 अगस्त तक चलेगा। भाजपा नेता और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे जो पंडाल है, जो पूरी पूजा कथा है, ये वही उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये रामभद्राचार्य जो इस वक्त कथा सुन रहे हैं आप मेरे पीछे, आप उतनी भीड़ तो नहीं देखेंगे जितना आमतौर पर एक कथा में होता है, और ये इनकी कथा में खास करके जितना भीड़ होता है उतना आप भीड़ अभी नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपको रामभद्राचार्य के बारे में कुछ बताऊं, आगे बढ़ूं, लोगों से बातचीत करूं इनके भक्तों से, उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों हम यहां आए हैं और क्या हमारा मकसद है, हम आपको वो बताना चाहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जब 2 माह के थे तो इनकी आंख की रोशनी चली जाती है। ये जौनपुर के रहने वाले हैं। सन 1950 में इनकी पैदाइश हुई है, 14 जनवरी सन 1950 की। आज लगभग देखा जाए तो 73 ईयर्स के हैं ये। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब ये 3 साल के थे, इन्होंने पूरी किताब लिख दी थी, अपने दादाजी को पढ़वाया। नेत्र ना होने के बावजूद भी इन्हें 22 भाषाएं बोलनी आती हैं। नेत्र ना होने के बावजूद भी इन्हें महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कंठस्थ है। नेत्र ना होने के बावजूद भी ये मध्य प्रदेश चित्रकूट में धार्मिक और सामाजिक संस्था भी चलाते हैं। नेत्र नहीं है फिर भी ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर का विद्यालय भी चलाते हैं, यानी उन्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कराते हैं। खुद नहीं पढ़े हैं 17 साल, जब 17 साल तक इन्होंने किताब को छुआ भी नहीं। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि इनके नेत्र भले नहीं है लेकिन इनकी महिमा और इनका दिव्य जो शक्ति है इनके अंदर वो कितनी है। हम इसलिए आप सबको बता रहे हैं क्योंकि हम, मैंने पहले भी कहा था मैं आप सबको कि हम धर्म का प्रचार करते हैं, अधर्म का नहीं, विश्वास का प्रचार करते हैं, अंधविश्वास का नहीं। इसीलिए हम इस पंडाल में आए और ये आपको जानना बेहद जरूरी है। हम यहाँ पे इन्हीं के भक्तों से कुछ बातचीत करेंगे। लिए स्वामी रामभद्राचार्य के जो श्रोता हैं यहाँ बैठे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक मिश्रा। कहाँ से आए मिश्रा जी? कानपुर से। कानपुर से? कानपुर से। स्वामी जी को जानते थे पहले से? स्वामी जी को वैसे परिचय नहीं है, 1-2 कथा में गए हैं तब से कुछ सानिध्य मिला। तो संत का सानिध्य जो है वो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं, अच्छा मतलब कुछ ऐसा लगता है कि मतलब संत का सानिध्य जो होता है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वो है कि जहाँ संत के, जब तक उस परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों के दर्शन दुर्लभ हैं, और जब संतों के दर्शन दुर्लभ हैं और अगर सौभाग्य मिल गया कि संत इस नोएडा की जमीन पर अगर हैं और हम यहाँ उपस्थित हैं, तो बस अपना काम धंधा छोड़ के लगा कि 10 मिनट महाराज जी के दर्शन हो जाएं, और इसी में परमात्मा का शायद यही मतलब उनका ऐसी कृपा, तो इस वजह से बस आ गए। जब इनके चेले आए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ग्रेटर नोएडा में, वो भी थे 1 हफ्ता, गए थे आप? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? उस समय नहीं गए थे, वो इतनी मतलब दूरी पे था, दूसरा थोड़ा सा समय उस समय नहीं मिल पाया, तो इस वजह से नहीं जा पाए। और ये तो परमात्मा की कृपा है, देखो बिना उनकी मर्जी के तो पत्ता नहीं हिलता। अब वो जहाँ ले जाएंगे, वहाँ जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे, बस जिधर ले चलोगे वहाँ चल पड़ेंगे, बस ये कहानी है कि अब यहाँ लाने के लिए उनकी प्रेरणा हुई तो यहाँ आ गए, वहाँ लाने जाने के लिए नहीं हुई तो नहीं गए, इसमें तो हरी इच्छा है। नहीं, उनके श्रोताओं तो उनके श्रोता इतने थे, उनके सुनने वाले, उनके भक्त इतने थे, आज यहाँ देख रहे हैं कि पब्लिक है नहीं। नहीं, पब्लिक से तो ऐसा है कि महाराज जी को ना तो यश की जरूरत है,
ना सम्मान की जरूरत है। जो यह सम्मान उनको महाराज जी के आपने वचन नहीं सुने होंगे, महाराज जी का कहना है कि स्वांथा सुखाय रघुनाथ तुलसी रघुनाथ गाता, कि हम तो अपने सुख के लिए महाराज जी अब जो मतलब जन्मांध है उसके बाद मतलब समस्त जो ग्रंथ और मतलब वेद पुराण है उनको कंठस्थ याद है। तो वो ये कहते हैं उनके वचनों के अनुसार, एक कथा में हमने सुना था उसमें उन्होंने चैलेंज किया था, मतलब जो समाज को तोड़ने की बात हो रही ना कि मतलब कहीं पे भी, तो समाज को तोड़ने वालों के लिए उन्होंने चैलेंज किया था कि जिसको भी उसमें, हाँ कानपुर में ही कथा थी, मनु स्मृत के आलेख में रामचरितमानस, ये उसका शीर्षक था। तो उस शीर्षक में महाराज जी ने मतलब जितने भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को विखंडित करने के राजनीतिक कारणों से जो विखंडित करने के लिए मतलब अपना षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए खुला चैलेंज था कि जिसको भी रामचरितमानस में या मनु स्मृति में जिसको भी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं जो विवादित बयान दिए थे रामचरितमानस को लेकर, उसमें एक मौर्य नहीं है ऐसे कोई मतलब किसी मेरी किसी सभी को कह रहे हैं विशेष के लिए नहीं है, जो भी हम आप ऐसे समझो जो भारतीयों को तोड़ने की बात करता है, जो हमारी संस्कृति को तोड़ने की बात करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, एक मतलब आप ये समझो 1/125 करोड़वां हिस्सा है स्वामी प्रसाद मौर्य, और क्या है 1/125वां हिस्सा है, जो हम हैं वो है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब जब ये लोग अपमान करते हैं दुख तो होता होगा ना, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, ऐसा होता है। आप ऐसे समझो जब परमात्मा को किसी को गिराना होता है तो पहले वो ऊपर चढ़ाता है कि चढ़ते जाओ बेटा, चढ़ते जाओ, चढ़ाते चढ़ाते जब वो मतलब एक अपने परम उस पे पहुंचता है ना, दोबारा उठने लायक नहीं रहता। आप देख लेना, मेरे ये वचन नोट कर लेना, आज इस बात को नोट कर लेना, मंच के सामने बैठ के कह रहे हैं, जितना ऊंचे उड़ रहे हैं ना, एक दिन इनका कहीं मतलब किसी जगह राजनीति में नाम निशान नहीं होगा। कुछ दिन पहले कहते थे कि हम वो नेवला हैं, ठीक है, कि जो हम मतलब अजगर को खा जाते हैं, नेवला गिरी निकल गई। तो मतलब ये है कि ऐसे बोल बोलते हैं, और दूसरा आप किसका, आप रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं और आप अपने आप को महान कह रहे हैं, मतलब ये आपको लगता है कि कोई मतलब इस चीज को लेके किसी को का मतलब किसी को कुछ नहीं लग रहा है, परमात्मा ऊपर वाला देखने वाला सब देखता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि हम लोग भले इग्नोर कर दें लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा। दूसरा, हाँ अंतर भावनाएं तो हाथ होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं। दूसरा एक चीज है कि यहाँ पे जो कुछ भी है इस समस्त सृष्टि में जो भी है वो ईश्वर ही अपने लिए अपने द्वारा सब कुछ कर रहा है, ठीक है। फॉर द गॉड, टू द गॉड, या टू द राघव, टू द राम, ठीक है, बाय द राम, फॉर द राम, तो ये है पूरा मतलब संरचना मतलब। और जहाँ पे हम एक तरफ देखते हैं कि मतलब हर जीव जंतु पशु पक्षियों में समय सी आराम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, आप भी राम हम भी राम, ना आप कुछ अलग हैं ना हम कुछ अलग हैं, जो आप हैं वो हम हैं, जो हम हैं वो आप हैं, और जो आप हैं वो है जो वो है, जानत जानत जय जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई, वो परमात्मा मतलब उसकी जिस पर कृपा होगी वही उसको जान सकता है, उसके महत्व को जान सकता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जान रहे तो नहीं है, और या तो इन पे इतनी ज्यादा है कि वो मतलब उससे भी बड़े हैं वो अपने आप को जो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अब बाकी तो ये राजनीति के अपने उनके फंडे, अभी किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो कुछ और कहने लगेंगे, ये तो दल बदलू है भैया, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ तो बस जहाँ संत समागम है वहाँ तो आनंद ही आनंद है। कब से आए हैं आप यहाँ? अभी 10-15-20 मिनट हुए हैं हमको आए हुए। और कब तक बैठेंगे? अभी तो कथा सुन के ही जाएंगे। तो जगह तो आगे खाली है, आप आगे बैठ के क्यों नहीं देखते? अब जहाँ जगह मिल गई जिस जगह पर मतलब, अब आपसे फिर वही कहेंगे जहाँ परमात्मा जिधर ले चलोगे उधर चल। मैं बस ये कह रहा था आपको, आगे जगह खाली है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से दिख रहे थे। ऐसा है कि आगे महाराज जी का, इसके आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, ठीक है, उसके आगे जा नहीं सकते, आगे महिला मंडली है तो अब महिलाओं के बीच में जा नहीं सकते, एक मर्यादा होती है, तो उस मर्यादा के अनुसार जो मतलब अपनी मंडली जो लगी कि यहाँ पे बैठ के अपना आसन मतलब ग्रहण करके महाराज जी की कथा सुन ले, बस यहाँ बैठ गए।
चलिए अच्छा, और बाकी जो आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या कहेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से भैया बस केवल इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी तरीके से, तो उस परम पिता परमात्मा से हटके ना तो कहीं कुछ है, और उसके छह विभाग उसके हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो ये छह विभाग उसने मंत्रालय छह मंत्रालय अपने हाथ में कर रखे हैं। तो आप अगर ये सोच लेंगे कि जो भी सृष्टि में दिख रहा है, जो कर्म हमको दिया है परमपिता परमात्मा ने, उसको पूरी ईमानदारी से जो रोल हम रोल निभाने आए हैं भाई, हम रोल आपको मीडिया कर्मचारी का रोल दिया है, तो आप जितने अच्छे से निभा ले जाएंगे परमात्मा उतना ही प्रसन्न होगा कि हमने तुमको ये रोल दिया था, और मतलब आप निभा के जब वहाँ जाएंगे ना, तो वो आपको जो ताली बजा के जो प्रोत्साहन देगा वो राशि आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमें जो रोल दिया है अपने कर्तव्य का वो हम निभाते हुए, और गृहस्थ जीवन भोका है तो गृहस्थ के दायित्व की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, उनके जो दायित्व हैं वो निर्वहन करने पड़ेंगे। तो ये मान के चलो कि जो भी जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उनसे कभी हताश होने की जरूरत नहीं है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी गिरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये सोचना है कि अभी प्रयास और करने। जी कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार का हूँ। बिहार से हैं, सुनने के लिए आए हैं? नहीं, यही यही रहता हूँ। अच्छा, यही रहते हैं। कैसे लगते हैं पंडित जी आपको? स्वामी जी कैसे लगते हैं आपको? हमने इनका भाषण बहुत सुने हुए हैं, इनका ही प्रवचन में बहुत सुना है। भाषण की प्रवचन? हाँ प्रवचन, हाँ प्रवचन में वहाँ सीतामढ़ी में जाते हैं हर साल। हाँ हम तो मधुबनी जिला काट के बना, हम दरभंगा जिला काट के बने हुए हैं, कौन 5 घंटा का रनिंग है, वहाँ जाते हैं आराम से, वहाँ रहते हैं सुनते, जब तक रहते हैं तब तक सुनते। अब तो आप आते रहेंगे कहाँ? यहीं कथा सुनने? हाँ शाम में अब आए गए, 5 बजे से पहले नहीं आएंगे। 5 बजे से पहले नहीं आएंगे? कथा तो 3 बजे से है। कथा तो 3 बजे से है ना? नहीं हुआ ना, 5 बजे तो शुरू किए। और बताइए पूजा पाठ करते हैं कि नहीं आप? पूजा पाठ भगवान करने के, हिंदू तो हिंदू किस लिए हुए, पूजा नहीं करने हिंदू किस लिए? नहीं कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पाखंड करते हैं और ये वो। हम तो आर्मी में थे, आर्मी में पूजा करते हैं। अच्छा आप आर्मी में थे? अच्छा आप आर्मी में थे ना? हाँ। ओहो कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी लास्ट वाली? एक जगह थोड़े है। अंतिम पोस्टिंग कहाँ से थी जहाँ से आप रिटायर हो गए? हम तो घर के नजदीक रांची में, झारखंड में। अच्छा शिलोंग से आए थे झारखंड। आर्मी में ही पूजा पाठ करते हैं? बिना पूजा पाठ के भोजन में कुछ नहीं। चलिए तब मजा आ रहा है मतलब आपको? मजा आ रहा है मतलब। और इस उम्र में पूजा पाठ के अलावा और बचा ही क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। पहले भी तो जवान थे तब भी किए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो युवा हैं आजकल वो बहुत उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं जरा बता दीजिए? पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन जमाना कैसा हो गया, हम लोग के जमाना में बहुत अंतर है। तो युवा क्या सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना? करना तो जरूर चाहिए। हाँ बट वो करते नहीं है ना? करते नहीं है कारण आजकल समय नाजायज है, लेकिन काम करने की फुर्सत नहीं है। और जमाना जो है ना खाली क्या कहें नकारात्मक सोच में गुजर रहा है। आपका सिलेक्शन आर्मी में कौन से साल में हुआ था? हम तो 64 में 66 में। अच्छा 66 में। हाँ अभी आपकी एज कितनी है? अभी एक्चुअल एज तो ज्यादा है, सर्टिफिकेट 80 हो गया। अच्छा 80? हाँ एक्चुअली तो 85। अच्छा 85 साल के हो गए, लेकिन आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं दादाजी। क्या करें हम तो चाहते हैं मर जाएं लेकिन नहीं मरते। अरे ऐसे कैसे मरेंगे? नहीं सही बात बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ जो मर जाऊँ। ऐसा क्यों चाहते हैं? अभी भगवान का नाम लीजिए ना। भगवान का नाम तो लिए रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पास दोनों आंख नहीं है महाराज जी के पास, लेकिन फिर भी कितना पुण्य काम कर रहे हैं।
वो अपने लिए कर रहे हैं पुण्य, हमारे लिए नहीं, उनको उनका वाला पुण्य आपको हमको नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं दादाजी हमारे साथ हैं, इनका कहना ये है कि भैया आर्मी में थे, ये 80 साल की इनकी एज है, फिर भी पूजा पाठ करते हैं और यहाँ सुनने आए हैं, सुन भी रहे हैं, और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। आप लोग बाकी नज़ारा देख ही सकते हैं यहाँ का, बहुत अभी आज तो भक्त आए ही नहीं है कह लीजिए, कि जिस हिसाब से आने चाहिए, आए होंगे 1,000-1,500 भक्त आए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। हम कल भी आएंगे और लगभग जब तक कथा चलेगी हम तब तक आप तक आपको इस कथा को कैसे चल रहा है, जहाँ कहीं से भी आप होंगे आपको कथा पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम आप सबसे विदा लेंगे, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच, नमस्कार।